बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग, ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, इस वक्त की न्यू फ्रेश अपडेट्स ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि आज सुबह 9:42 पर, आप लोग देख सकते हैं, दुक्कम से 282 किलोमीटर दूर बहिरा अरब के अंदर जलजले के झटके आए हैं। जब आप लोग देख सकते हैं, तस्दीक की गई है कि दुक्कम से 282 किलोमीटर दूर बहिरा अरब के अंदर जलजले के झटके आए हैं और रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत आप लोग देख सकते हैं, बताया गया कि 3.9 रिकॉर्ड की गई है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों को तमाम इस तरह के आफात से बचाए, आमीन इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कुछ CDAA की तरफ से, यानी कि सिविल डिफेंस एम्बुलेंस अथॉरिटीज की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया कि मस्कत गवर्नमेंट के अंदर एक जगह पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से एक पर्सन ऐसा जो कि जख्मी हुआ और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज है। आप लोग देख सकते हैं, ओमान की CDAA की तरफ से तस्दीक की गई है कि हमने आग के ऊपर काबू पा लिया, लेकिन एक पर्सन इस आग के अंदर जख्मी हुआ है और इसकी निगहदाश्त की जा रही है ओमान के हॉस्पिटल के अंदर। अब बात करते हैं कुछ ओमानी मुलाबस के हवाले से, ओमानी लिबास के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट शाया की गई है और ये स्टेटमेंट शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से वो कंपनियाँ जो कि ओमानी लिबास बनाती हैं, उनकी तरफ ये हदायत शाया की गई हैं कि आप लोग ओमानी लिबास जिस तरह है, हमारा जो विरसा है उसको उसी तरह ही रहने दें। मुख्तलिफ किस्म के आप लोग देखते हैं कि टोपियों के ऊपर टैग लगा दिया, कोई मोरे लगा दी जो उनके दाशे वगैरह, उसके ऊपर कोई और कोई लिखावट वगैरह कर दी, ये तमाम चीज़ें ममनू हैं। और बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये बिल्कुल ना करें, जो हमारा सकाफती लिबास है ओमानी उसको उसी तरह रहने दें। अब एक स्टेटमेंट शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया कि सल्तनत ऑफ ओमान में विलायत और सनाइया से एक ग्रुप को गिरफ्तार किया गया जो कि इलीगल तरीके से लकड़ियाँ काट कर लेके जा रहे थे। जी आप लोग देख सकते हैं, मौलियाती अथॉरिटीज़ की तरफ से कन्फर्म किया गया कि एक ग्रुप को हमने पकड़ा है विलायत और सनाया से, जो कि इलीगल तरीके से लकड़ियाँ वगैरह काट कर लेके जा रहे थे। तो इस शाया के थ्रू हम आप लोगों को ये कहेंगे कि ये बिल्कुल इलीगल काम है, सल्तनत के अंदर कोई इस तरह के उल्टे फुलटे काम ना करे जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत परेशानियाँ। तो ये तमाम इस वक्त की कुछ अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है, वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।